गणगौर महोत्सव चल रहा है और इस महोत्सव के तहत घरों में भी गणगौर की पूजा अर्चना हो रही है और जो व्रतार्थी महिलाएं हैं वो गणगौर को और ईसर जी को बड़े ठाट बाट से भोग लगा रही है, उनका श्रृंगार कर रही है और उनके आगे भजन गा रही है और नृत्य भी कर रही है, रिझा रही है मंगल कामना के लिए कि उनकी मंगल कामना गणगौर और ईसर जी पूरा करे और घर में ठाट बाट करे, देश में ठाट बाट हो और विश्व में सभी जगह मंगल हो। कैसी यह महिलाएं मंगल कामना कर रही हैं और क्या कह रही हैं गणगौर और ईसर जी को, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। गणगौर महोत्सव चल रहे हैं और गणगौर के बिंदोले घरों पर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। गणगौर महोत्सव के तहत ईसर जी और गणगौर को स्वागत के रूप में महिलाएं व्रतार्थी घर पर ला रही हैं और इनकी विशेष पूजा और अर्चना की जा रही है। स्वागत के रूप में ईसर जी और गणगौर को सवारी के रूप में घरों पर लाया जा रहा है और विशेष मनोरथ विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए या पूर्ण होने पर ये विशेष रूप में गणगौर और ईसर जी को लाया जाता है। स्वागत में आप देख रहे हैं आरती उतारी जा रही है और गणगौर माता और ईसर जी का प्रवेश हो रहा है। आप देखें यह एक अलौकिक अद्भुत आनंद है राजस्थान की संस्कृति का। गणगौर और ईसर जी की महिलाएं पूजा और अर्चना करती हैं और उस समय आनंद दुगुना होता है जब वह जयकारे लगाती हैं गणगौर और ईसर जी की। वाइफ ऑफ राजकुमार अग्रवाल जी, आज हम लोगों ने यहाँ सेक्टर 14 में एक छोटा सा आयोजन रखा है, हमने ईसर गणगौर की पूजा की है।
मैं अपनी सहेली के यहाँ से ईसर गणगौर को अपने घर बुला कर लाई हूँ, मतलब आज मैंने इनका बिंदोरा किया है। जी बताएं। श्रीमती वीना अग्रवाल, ये गणगौर जो मनाई जाती है शिवजी और पार्वती का रूप होता है, ये हमारे पति की लंबी उम्र के लिए मनाई जाती है। कंवारी शादीशुदा महिलाएं इसको अपने पति की शुभकामनाओं के लिए करती है, कंवारी लड़कियां इसको अच्छा वर मिल जाए उसके लिए गणगौर की पूजा करती है। ये गणगौर की पूजा जब बेटे का ब्याह होता है बहू घर आ जाती है तो 16 दिन की हम गणगौर बिठाते हैं और बेटी की भी शादी करते हैं, बेटी यदि पियर आती है तब भी हम 16 दिन की गणगौर पूजते हैं। इसका 16 दिन की पूजा का मेन मकसद ये होता है, यदि एक जगह गणगौर बिठाई जाती है तो 16 जगह उसका बिंदोला होता है। हम 16 परिवारों के अंदर इन्विटेशन देते हैं कि हमारी गणगौर को आप बुलाओ और उसका स्वागत करो, उससे उसके घर में भी मंगल होता है और हमारे घर में भी मंगल होता है। और इसको जब बुलाया जाता है तो बहुत धूमधाम से, जैसे लड़की का स्वागत करते हैं, बहू का स्वागत करते हैं, वैसे ही स्वागत किया जाता है। हर महिला इसको घर पर बुलाने के लिए लालायित रहती है, लेकिन 16 महिलाएँ होती है जो 16 बार हम जा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, शिव पार्वती से यही प्रार्थना करते हैं, जो भी महिलाएं इसके अंदर गणगौर के गीत गाती है सभी के घर के अंदर मंगल हो, शुभ हो, अच्छा हो, कंवारी बेटी हो तो जल्दी ब्याह हो जाए, कंवारा बेटा हो तो जल्दी बहू घर आ जाए, ताकि हम 16 दिन हर साल पूछे। हम चाहते हैं हमारी गणगौर हर साल हमारे घर आए या हमारी गणगौर 16 दिन 16 घर जाए। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मैं राजदुलारी गर्ग, गौर माता की जय। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? सुमित्रा अग्रवाल, और ये गणगौर सुवाग के लिए पूजी जाती है। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? मैं करुणा अग्रवाल, मैं हम 4 जने 16 दिन की गणगौर पूज रहे हैं राजदुलारी भाभी के, गणगौर माता की जय। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? गणगौर आज हम राजदुलारी भाभी जी जो हैं इनके यहाँ पूजी जा रही थी, 16 दिन की गणगौर पूज रहे हैं सब, और उन्हीं के घर से आज हम नीलम भाभी के यहाँ गणगौर लेके आए हैं और ये महोत्सव हमने मनाया है सबने। इसमें हाँ, आज के जो त्योहार है गणगौर का, इसमें सुबह भी हम पूजा करने जाते हैं, इसमें सारी घर से पानी भर के जल लेके जाती है और एक वो गीत गाती है, गोरे गणगौर माता कोले की वाड़ी, बाहर बैठी सारी पूजन वाली। आप बताओ क्या मंगल कामना की है आपने और क्या भजन गाए? मेरा नाम उषा गर्ग, और ये सब सुहागन औरतों के लिए होता है, कुंवारी कन्याओं के लिए होता है, और गणगौर पूजते हैं, शिव जी पार्वती जी का रूप है, पूजा करते हैं। राजस्थान का पर्व। आप बताओ। नमस्ते, मैं प्रिया मित्तल, वाइफ ऑफ मिस्टर नीरज मित्तल। गणगौर की पूजा का मुख्य कारण होता है कि हम सभी गणगौर माता से हमारे सुहाग की प्रार्थना करते हैं। इस दिन सभी स्त्रियाँ अपने 16 श्रृंगार करती है और पूरी गणगौर माता की तरह दिखने की कोशिश करती है और मन में ये मनोकामना करती है कि उनके पूरे साल में हर दिन खुशियों के साथ आए। धन्यवाद। आप बताओ आप क्या कहना, क्या मंगल कामना की आपने? गणगौर माता की। अश्विनी बंसल, वाइफ ऑफ मनोज बंसल। मैं चाहती हूँ कि इस गणगौर के पर्व पर सभी के घर में खुशियाँ आए, सभी की मनोकामना पूरी हो। आप बताओ। मैं लीना अग्रवाल, गणगौर माता सभी का सुहाग अमर रखे, सभी का चूड़ा चुंदर हाजिर रखे। आप बताओ। मैं समता अग्रवाल, वाइफ ऑफ ललेश अग्रवाल। गणगौर की पूजा हम अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। गणगौर माता की जय। आप बताओ। गणगौर पर्व राजस्थान का मुख्य त्यौहार है और इसमें सुहाग के लिए पूजा करी जाती है सुहागन औरतों की, और ना कंवारी लड़कियां अपने अच्छे वर पाने के लिए प्रार्थनाएं करती हैं और खूब है ना खुशियां मनाती है, सब नए नए परिधान पहनती है और खूब है ना बंदोले दिए जाते हैं गणगौर पर्व में। आप एक बात बताओ कि जब आप कुंवारे थे तब आपने व्रत किया था? हाँ, मैं और मैं बचपन से व्रत कर रही हूँ और ये राज इनके नीलम जी के पास में, वीणा जी के पास में जो गणगौर है वो 30 साल से मेरे पास में है। मैं शादी करके आई जब से मैंने गणगौर है मेरे पास में। तो आपकी आपकी पूरी भावना पूरी की? हाँ, कुंवारे थे तब। हाँ, मेरे को अच्छा। ना बहुत अच्छी सास मिली, बहुत अच्छे पति मिले, घर परिवार सब मंगल कामना। गणगौर है इसीलिए मुझे इतनी सखियों का साथ मिला। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? गणगौर का पर्व खुशी का पर्व है, आनंद का पर्व है। गणगौर माता की। हाँ, आप बोलो। मैं इशिता व्यास, गणगौर माता की जय। आप बोलो आप क्या कहना। ऋषिका अग्रवाल है, गणगौर माता एक पार्वती जी का रूप है जो 16 दिन अपने पीयर आती है और अपने खुशी के हिसाब से हम घर में सुख शांति रहे इसलिए को पीयर के आती है गणगौर माता की। गणगौर माता की जय। मैं रितु अग्रवाल, गणगौर के दिन यही कि सबका सुहाग हमारे गणगौर की पूजा करने से। और बंसल, गणगौर माता की 16 दिन की पूजा की जाती है
और जो ब्यावली होती है वो भी पूरे ही 16 दिन बड़े चाव से पूजा करती हैं, और गंगोर माता की पूजा करने से हम सबका अमर सुहाग अमर रहे, इसीलिए हम इसी भावना से गंगोर की पूजा करते हैं। गंगोर माता की जय। बताओ। मैं शिखा राठौड़। गंगोर माता की पूजा शिवरात्रि के बाद शिव जी और पार्वती जी के विवाह के बाद शिव जी और पार्वती अपने पियर आती हैं, तो मतलब उनका स्वागत हमेशा जैसे जवाई और बेटी का किया जाता है ना, वैसे ही 16 दिन उनके साथ आदर सत्कार किए जाते हैं, और इसीलिए इस तरह से घर घर जाके बिंदोले दिए जाते हैं और ऐसे गणगौर पूजी जाती है। गणगौर माता की ओ राज, पावर पटा पटवारी ओ राज।
और क्या कहना है? मेरा नाम अंकिता अग्रवाल है और ये मेरी देवरानी अंजनी अग्रवाल। आज हम लोगों ने गंगोर का बंदोरा घर पे दिया था, जिसमें हमने खूब मस्ती करी, खूब नाच गाने किए, ईसर जी गंगोर माता की पूजा करी, उनके गीत गाए, उनकी अर्चना करी। आप बताओ कैसा क्या मंगल कामना किया आपने? यही कि हमारा सुहाग अमर रहे, गंगोर माता की हमेशा कृपा दृष्टि हमारे पे रहे। हम लोग, आप बताओ गंगोर पूछते हैं, आपका क्या नाम है? अंजनी। हाँ, क्या कहना है आपका? हमने आज गणगौर का बंदोरा दिया, खूब मस्ती करी, खूब अच्छे से हमने माता जी को वो किया, उनको उनको बोला कि हमको खूब आशीर्वाद दे कि हमारा घर खूब धन पानी से भरा रहे और हमारा सुहाग अमर रहे। खूब गीत गाए, खूब नाच गाना किया और सबको प्रसाद कराया। व्रतार्थी महिलाओं के घर पर गणगौर की पूजा अर्चना के बाद में गणगौर को दूसरे घर के लिए ले जाया जाता है और बड़े ठाट बाट के साथ में प्रत्येक व्रतार्थी महिलाएं अपने सिर पर ईसर जी और गणगौर को रखती हैं और वो दूसरे घर के लिए ले जाती हैं। व्रतार्थी महिलाएं कामना करती हैं कि जिस प्रकार से गणगौर को हमने मंगल कामना की और हमारी पूर्ण हुई, फिर वापस हमारे घर पर ठाट बाट से आए। भारतीय संस्कृति अद्भुत है और अद्भुत ही इसके तीज और त्योहार हैं। गणगौर और ईसर जी का बिंदोरा एक घर से दूसरे घर जाता है और महिलाएं गणगौर जी और ईसर जी का स्वागत करती हैं एक दूल्हा और दुल्हन की तरह। ठाट बाट से ईसर जी और गणगौर के बिंदोरे हो रहे हैं और बड़े ठाट बाट से उनको जिमण जिमाया जा रहा है, उनका श्रृंगार हो रहा है, उनकी आरती उतारी जा रही है। राजस्थान के जो त्योहार है, तीज और त्योहार है, वो बड़े ही अनोखे हैं। इसी अनोखी आन बान से हमारे भारतीय व्रत और त्योहार, इसी से हमारी संस्कृति विरासत के रूप में आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत बनी हुई है और हमें संस्कृति के पथ पर आगे बढ़ा रही है। हम और भी आपको इसी संस्कृति के बारे में दिखाते रहेंगे। हेमेंद्र शिवाली, उदयपुर।